Hey you guys, good morning. It is 10 May right now. As the title says, it's my first bride's order. The wedding is fixed on 16th of May. The engagement and the haldi will happen on 15th and Sangeet and Mehndi will happen on 14th. And the bride wants me to make a lehenga for her Sangeet function, which is on 14th, and it is 10th right now. So it's a last minute order. She is not one of my friend or any relative or anything. She came out to me through reference. So I of course couldn't say no to her, and of course it was my first bride. मेरे मन में ना थोड़ा सा वो डर था कि यार मुझसे अगर कुछ गलती हो जाए, किसी का फंक्शन नहीं ख़राब होना चाहिए, शादी इज़ सच अ बिग थिंग. तो उस वजह से मैंने कभी रिस्क नहीं लिया, ना ही कभी मैंने अपने आप को ओपन रखा था ब्राइड ऑर्डर्स के लिए. बट एज वी से कि कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है, अपने आप होती है, तो दैट इज़ हाउ इट हैपन. एंड she came out to me, so I couldn't say no and I took that order. The first task for this order is कि मुझे ये 3 दिन में बनाना है. What I did is मैंने उसको सारा डिज़ाइन फाइनल कर लिया है. आज सुबह से मैं वही कर रही थी. शेयर हर फ्यू पिक्चर्स ऑफ फैब्रिक, देन मैंने उसने जो सिलेक्ट किए पिक्चर्स फैब्रिक के, उसमें से कुछ लहंगा डिज़ाइन किया था, उसमें से उसने ये वाला जो डिज़ाइन है वो फाइनल किया है. नाउ आई नीड टू गो टू दैट शॉप जहाँ से मैंने फैब्रिक पिक्चर्स सोर्स किए थे, and I need to go and purchase the fabric according to the design, and that is how I do it. And for this whole process na, you need some contacts with the vendors ki wo aapko pictures bhej ke rakhe. Kisi ne mujhe pucha tha that you design first or then purchase fabric or everything. So yeah, this is how I do it. So the total fabric that will be needed for the lehenga and blouse will be 7 meters, and for the dupatta it is 2.5 meters, and lace and 4 meters of can-can. And yes, the lining part that I need to figure out. Matlab lining part maine abhi tak socha nahi hai ki I should go with crepe, कॉटन, सैटिन या फिर आई शुड गो विथ सम क्लाउड फैब्रिक. बट आई नीड टू फिगर आउट दैट. वो डिपेंड करता है कि फैब्रिक का टेक्सचर कैसा है, उसके ऊपर जो सूट होगा वो मैं लाइनिंग पार्ट लूँगी. आई जस्ट गो टू द मार्केट, आई जस्ट शो यू सम ग्लिम्स ऑफ हाउ आई परचेज द फैब्रिक. एंड इट्स माई फर्स्ट ब्राइड ऑर्डर, सो आई एम लिटिल नर्वस कि सारा सब कुछ अच्छे से हो जाए, बिकॉज यार ब्राइड के ऑर्डर्स थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं लास्ट मिनट. एंड ऑल्सो अभी ये बहुत जल्दी जल्दी में करना पड़ रहा है, तो ट्रायल्स के लिए भी टाइम नहीं है. आई होप कि इन रिजल्ट बहुत अच्छा है. और द पिक्चर्स एंड द वीडियोज ऑफ द ब्राइड आई विल अटैच इन दिस वीडियो. या विश मी लक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम इन द मार्केट राइट नाउ. आई जस्ट जंप टू दैट सेम शॉप जहाँ से मैंने फैब्रिक लिया था, बट इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे फैब्रिक्स थे. उसमें से वो फैब्रिक सिलेक्ट किया जो मुझे चाहिए. रदर दैन दैट आई वॉज ट्राइंग कि वो एग्जैक्ट सिल्वेट कैसा लगेगा वंस आई हैव दैट क्रश ऑन द फैब्रिक, क्या वो अच्छे से फिट बैठेगा एज पर माई डिज़ाइन. उसके ऊपर मैंने लाइनिंग और उसके ऊपर जो दुपट्टा है वो एग्जैक्टली वहाँ पे ढूंढा. एंड देन आई ट्राई डिफरेंट दुपट्टा. ऑल्सो आई परचेस्ड फॉर कैन एंड ऑल्सो द रेनबो फैब्रिक दैट विल गो फॉर लाइनिंग. आई डिडंट गो फॉर सेटिंग और एनीथिंग बिकॉज ये पूरा नेट का था, तो अंदर से पूरा दिखेगा, तो आई वॉन्टेड दैट शाइन दैट शिमर ऑन द फैब्रिक. दैट्स व्हाई आई परचेज द क्लाउड फैब्रिक फॉर द लाइनिंग पार्ट. नाउ कमिंग बैक टू द स्टिचिंग पार्ट, ड्राफ्टिंग इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ स्टिचिंग एंड मेकिंग अ गारमेंट. इट हैज टू बी परफेक्ट एंड आई कीप इट ऑन अ प्रायोरिटी. वेन एवर माई टेलर इज डूइंग ड्राफ्टिंग आई हैव टू बी देयर. नाउ कमिंग टू द कॉस्टिंग पार्ट, आई परचेज द क्लाउड फैब्रिक फॉर 160 rupees पर मीटर एंड द मेन वन विच वॉज फॉर लहंगा एंड ब्लाउज इट इज फॉर 550 rupees पर मीटर. दुपट्टा वॉज 250 and cotton lining was 35 rupees per meter. I purchased can-can and lace which goes around 410, and then remaining one for the stitching part. And this is how I managed this whole lehenga in her budget, and the lehenga was looking so worth it although I did it on last moment. Then I dispatched it through Travels, so it took her only a night to receive this package, and this was her reaction after receiving this package. Her final look and her wedding videos and pictures I'll share soon once I'll get it. Thank you so much for watching this video guys. I'll see you in my next video. Bye bye.